नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं SCP-117 के बारे में, एक ऐसे SCP के बारे में जिसकी ऑब्जेक्ट क्लास सेफ है। इस SCP को कंप्लीट मल्टी टूल के नाम से भी जाना जाता है और ये उन इंटरेस्टिंग SCPs में से भी आता है जिनमें से कुछ के ऊपर हमारी इस चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं SCP-117 के बारे में। SCP-117 को हमेशा ही एक लेदर पाउच के अंदर रखा जाता है। इसे केवल तभी निकाला जाता है जब भी इसके ऊपर कोई स्टडी या फिर टेस्ट करना होता है। कोई भी पर्सनल जो कि मेंटली फिट है वो SCP-117 के कंटेनमेंट साइट के ऊपर जा सकता है। अगर कोई भी पर्सनल बिना परमिशन के SCP-117 को छूने या फिर वहां से निकालने की कोशिश करता है तो उसे उसके किए की सजा मिलती है। SCP-117 का कंटेनमेंट चैम्बर हमेशा ही लॉक्ड रहता है और जब SCP-117 का इस्तेमाल किया जा रहा होता है तभी एक गार्ड SCP-117 के कंटेनमेंट चैम्बर के बाहर देखा जा सकता है। तो दरअसल SCP-117 एक ऑर्डिनरी मल्टी टूल है जिसके ऊपर इसके बनाने वाले या फिर कोई ब्रांड का नाम नहीं है। इस मल्टी टूल को फ्लोरिडा में एक जगह के ऊपर प्राप्त किया गया था। पहली बार में तो SCP-117 के ऊपर नॉर्मल टूल्स ही देखे जा सकते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, चाकू और कैन ओपनर वगैरह। लेकिन इस मल्टी टूल की कमाल की बात तो यह है कि जब भी कोई सब्जेक्ट को किसी भी टाइप के टूल की जरूरत पड़ती है तो वो उसे SCP-117 से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, किसी भी तरह के टूल की। वैसे तो SCP-117 के बाहरी हिस्से में छुरी, स्क्रू ड्राइवर और वैसे नॉर्मल वाले टूल्स ही देखे जा सकते हैं, लेकिन जरूरत आने पर उस तरीके के टूल्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं जो कि उसके बाहरी हिस्से में नहीं देखे जा सकते। यानी कि एक तरीके से SCP-117 के अंदर हर तरह का टूल अवेलेबल है जो कि आपको चाहिए होगा। लेकिन वो टूल जो कि SCP-117 ने अपने चमत्कार से पैदा किया है तब तक ही वजूद में रहेगा जब तक कि उससे वो काम पूरा नहीं हो जाता। एक बार वो टूल से काम पूरा हो गया उसके बाद वो टूल खुद ब खुद गायब हो जाएगा और उसके बाद उस टूल को तभी वापस निकाला जा सकता है जब भी उसकी सही में जरूरत हो। बिना जरूरत के वो टूल हाथ में कभी नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, बस यही थी आज की इस कहानी SCP-117 के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।